हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 इयर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे आप अपने दांत के दर्द को इमिडिएटली ख़त्म कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। So let's start the video. दांत का दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो बहुत ही हॉरिबल होता है एंड बहुत ही ज्यादा पेन होता है। उस टाइम पे पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करके ऐसा किया जाए कि दांत का दर्द खत्म किया जाए। कभी कभी तो ये कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट को कई सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसके बावजूद भी उनका पेन ख़त्म नहीं होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप इमिडिएटली अपने दांत के दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो आजकल हर कोई मेडिसिन ले लेता है, लेकिन कभी ऐसी कंडीशंस होती है कि उनकी मेडिसिन काम नहीं करती है, वर्क नहीं करती है, या फिर कभी वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं कि उस टाइम पे मेडिकल शॉप अवेलेबल ना हो, या फिर दांत का दर्द ऐसा दर्द होता है कि मोस्टली रात में होता है, नाइट टाइम में होता है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो उस टाइम पे हो सकता है कोई मेडिकल शॉप ओपन ना हो, तो उस टाइम के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके दांतों का दर्द इमिडिएटली ख़त्म हो जाएगा। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कितना इफेक्ट हुआ है। सो वो बेसिक होम रेमेडीज है जो भी आपके किचन में अवेलेबल है, वो है सबसे पहले है क्लोव यानी कि लौंग। लौंग हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। लौंग के बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है लौंग में। तो ये जो क्लोव है, ये लौंग है, आपको पेन हो रहा है तो आपके घर में अगर लौंग अवेलेबल है जो कि साबुत लौंग है, तो आप उसको थोड़ा सा पीस के उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला के दांत के उस जगह में रखना है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, उस एरिया में रखना है। तो इसको ऐसे ही रखना है एंड उसको निकालना नहीं है। तो लौंग का जो असर है वो 2-3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका दांत का दर्द इमिडिएटली कम हो जाएगा। आपके पास लौंग का तेल है, किसी किसी के घर में अवेलेबल होता है कि क्लोव ऑयल इजली अवेलेबल होता है। एंड अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई होम रेमेडीज आपको चाहिए, तो क्लोव ऑयल आपको मार्केट से भी ईजिली अवेलेबल होगा। तो क्लोव ऑयल को भी आप सेम चीज़ ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, थोड़ा सा कॉटन में कॉटन पैलेट बना के क्लोव ऑयल वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके दांत का दर्द इमिडिएटली ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होम रेमेडीज है फिटकरी। फिटकरी के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसके फायदे फुल बॉडी में अगर देखा जाए, हेल्थ में बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ दांत में बताऊंगी आपको कि अगर आपके दांत में कोई इन्फेक्शन है, मसूड़े में कोई इन्फेक्शन है, दांत में कैविटी लगी है एंड आपको पेन हो रहा है, तो वहाँ पे भी फिटकरी बहुत अच्छे से काम करती है। तो आपको क्या करना है, फिटकरी का पाउडर लेना है, उसको पानी में मिक्स करके उससे माउथ वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज फिटकरी का छोटा सा पेस्ट बना के पानी के साथ उसको उस एरिया में भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है। फिटकरी के बहुत सारे बेनिफिट है और इससे आपको इमिडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है अमरूद यानी कि गोवा। अमरूद के पत्तियों को भी आप उबाल के उसका अच्छे से जब काढ़ा बन जाता है तो उस काढ़े से आप चाहे तो उस माउथ वॉश कर सकते हैं। दिन में अगर 3 बार करोगे तो उससे आपको बहुत ही आराम मिलने वाला है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आपके दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बट मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताने वाली हूँ कि ये जो भी तरीके मैंने आपको बताए, होम रेमेडीज जो बताए हैं, ये सिर्फ दांत दर्द को कम कर सकता है, इन्फेक्शन को कम कर सकता है, लेकिन जो आपके दांतों में एक्चुअल प्रॉब्लम है कि किस वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, वो नहीं ख़त्म होगा जब तक आप किसी डेंटिस्ट को विजिट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके दांतों में कैविटी लगी है, बहुत बड़ा होल है, तो वो उस होल का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।